सो कैसे हो भाई लोग? गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो अभी फाइनली मतलब मैं ऐसे ही अपना गेम मैच वैच खेल के मैं जा रहा था अपना सोने जा रहा था। तो टाइम देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे 3:47 हो रहा है, ठीक है, सुबह के 4 बजने वाले हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि भाई मैं देखूँ ज़रा सर्वर वर्वर पर कौन कौन टॉप पे बैठा हुआ है। तो आप लोग कैसे टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा कि टॉप के कार्डर्स बैन हो रहे हैं। तो कार्डर्स के ऊपर ऑलरेडी हमारे एक बड़े भाई यूट्यूबर सब लोग जानते होंगे पारस भाई, उन्होंने कदम उठाया था। उन्होंने बल्कि एक्सपोज करा था थोड़ा सा, सीधा सीधा टारगेट नहीं करा था, डाको एलियन वाईटी को एक्सपोज करा था। ऐसे बोला था कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स नीचे वाले आ रहे हैं और टॉप पे आके बैठ रहे हैं, लोग फेक कार्डिंग यूसी ले लेकर, मतलब कार्डिंग में आप लोगों ने बता रखा होगा कार्डिंग में दूसरे कार्ड लेते हैं और फिर से यूसी वूसी ले के अपना अकाउंट भी बढ़िया बनाते हैं, दूसरे से पॉपुलरिटी भी लेते हैं। तो वही सीन था, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग में बात करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं 3 बजे मैंने इतना इसलिए करा क्योंकि 4 बजे 4:30 बजे ना सर्वर रिफ्रेश होता है। सर्वर रिफ्रेश होगा तो कल के टाइम में फिर आपको ये लोग टॉप पे बैठे हुए नहीं देखेंगे, लोग हट जाएंगे वहाँ से, बैन हो गए क्योंकि। तो मैं ऐसे 3 कार्डर्स को दिखा रहा हूँ, वैसे डाकोवेलेंट वाइटी का मैं ले रहा, लेकिन वो भी अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई साहब वो भी लपेटे में आएगा, उसका अकाउंट भी बैन जाएगा ही जाएगा। तो मैं फाइनली जो भी आप लोग 3 लोग दिखा रहा हूँ जो अभी टॉप पे बैठ के बैन हुए हैं कार्डिंग के चलते, कार्डिंग जो करोगे उसके थ्रू उन लोगों को बैन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। पता नहीं कहाँ का नंबर, खुद ही मैनुअली देखना पड़ेगा। रैंक पे गया, पॉपुलैरिटी पे गया, एक बंदा तो ये रहा आपके सामने, देख रहे हो ब्लैक WC के टॉप 60 पे बैठा हुआ है। इसकी पॉपुलरिटी मतलब 2 करोड़ से ऊपर जा रही है भाई साहब। इस बंदे का अकाउंट देख लो भाई, अगर 7 दिन का बैन लगा होता, टीममेट बैन लगा होता ना, ध्यान सुनो, 7 दिन का बैन होता तो क्या होता है, यहाँ पे मोमेंट बैन नहीं होता, ठीक है। 10 साल का बैन है तो मोमेंट बैन है। और देखो उस बंदे की ID देख लो, सब कुछ ID देख रहे हो, सब कुछ मैक्स है। उसके हिसाब से आप समझ लो कि मतलब सब मैक्स है तो क्या सीन होने वाला है। और उसकी ID 10 साल की बैन है, ये पहला बंदा है, ठीक है। इतनी महंगी ID बैन लगा दी कार्डिंग के चलते। एक बंदा 60 पे बैन है, मैंने 3 लोग देखे थे, एक तो सलमान भाई भी थे, एक ये रहा अभी प्लेस, ठीक है, 74। इसकी ID देख सकते हो कितनी खतरनाक है, 74। ये देखो एक और बंदा बैन है, इसकी ID देख लो, देख रहा भाई साहब, मतलब फुल मैक्स कर रखी है। और उसके बाद भी कार्डिंग बंदे वाला पेट नहीं भरता हुआ ऊपर जाने का, इतना पैसा मतलब दूसरों का खुद का तो है नहीं भाई, दूसरों का पैसा उड़ाना है। और उसके बाद भी इतना बैन का मतलब घुसेड़ जाओ पैसे, पबजी हराम का पैसा है भाई, मतलब क्या बोलें, किसी और का पैसा है भाई, उसके मेहनत का पैसा है, लेकिन उड़ाए जा रहा, उड़ाए जा रहे हैं। आना टॉप फर्स्ट पे आना लोग को, देख लो भाई साहब बैन हो गया, 10 साल का बैन है सीधा, ठीक है। एक और बंदा दिखा रहा हूँ, मेरा मोटिव ये था आप लोग को, मतलब सुबह के कितने दोबारा 3:51 हो रहा है, सुबह के 4 बजे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 बजे सर्वर रिफ्रेश होगा, 5 बजे सर्वर रिफ्रेश होगा तो सब टॉप के जो बंदे बैठे ना ये सब रिफ्रेश होंगे, तो बैन वाले हट जाएंगे। तो मेरा मोटिव ये था कि आप लोग अभी दिखा दूँ कि क्या सीन है, ये सब बैन कैसे पड़ रहे हैं। कार्डिंग यूसी लोगे तो भाई बैन ही मिलेगा। तो ये तीसरा बंदा पूरे टॉप 100 में, सलमान भाई, जैसे बोला सलमान भाई, ये रहे अपने, ये देखो भाई साहब पोसिडियन मैक्स लेके बैठे हुए हैं। ID पे भी, आईडी में ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे ख्याल से ना न्यू आईडी खरीदी होगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है ज़्यादा सामान नहीं क्योंकि आईडी पे पोसिडियम वगैरह, बस एक सूट लेके उन्होंने मैक्स वैक्स कर डाला और टॉप पे आके बैठ गए, ठीक है भाई लोग। मेरा मतलब मोटिव ये था कि आप लोग को थोड़ा रूबरू करा दूँ इन लोगों से, ये स्कैमर्स से, कार्डिंग्स लेके बैठे, मतलब सबको स्कैमर नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट इसमें ऑलमोस्ट भी नहीं कह रहा, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो हैं यहाँ पे टॉप के बंदे आके कार्डिंग करके बैठ रहे हैं, ठीक है। और डाकू विलन आपको जो बता रहा हूँ, इसके चक्कर में पारस भाई का मसला हुआ था, डाकू विलन ये रहा। अगर देखो ये लोग, इन लोगों का सीन क्या है, इन लोगों का सीन मैं बताता हूँ। डाकू विलन वाइट, इन लोग का सीन ये रहता है, ये लोग फेक ID लेते हैं, उस पर कार्डिंग लेते हैं और उससे जितनी यूसी रहती है फ़ौरन के फ़ौरन करते लाते हैं लोग अपने ID को, मेन ID को देते लाते हैं पॉपुलरिटी। अगर भाई देखो फेक ID नहीं है तुम्हारी तो भाई साहब यहाँ पे पॉप शो करो ना, हाइड क्यों कर रखी है, शो करो भाई साहब, नहीं कर सकते ना भाई,
क्योंकि सब फेक आईडी से पॉपुलरिटी दे रखी है, करोड़ों करोड़ों दे रखी है पॉपुलरिटी, क्यों करेंगे शो बताओ? सीधी सी बात है भाई, फेक है भाई, तो शो करो भाई, प्रूफ दो बंदों को, खत्म बात। चलो भाई आज के लिए इतना ही, चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।